एक्चुअली भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक में श्री अरुण कुमार जी आज प्राथमिक सदस्यता इन्होंने लिया है। एस एम अहमद साहब हैं, राजीव सिंह हैं, नितिन कुमार जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, रोहित पांडे जी हैं, प्रिंस कंश्यप जी हैं एवं इसके साथ साथ लगभग 50 लोगों ने जो सदस्यता ग्रहण किया है। क्योंकि जो हमारा पार्टी का जो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को और फिलॉसफी को देखते हुए इन लोगों ने सारा चीज ज्वाइनिंग ली है, निपट गया है। तो फिर अरुण जी से काफी चर्चा हुई, काफी बातें हुई, बात होने के बाद जो एक सामने निकला कि चूंकि ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे जुझारू नेता जो बिहार को चाहिए और बिहार को चाहिए, इसलिए आज पार्टी ने भारतीय पंचायती राज पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है इनको प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी भी सौंप रही है और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे। क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि इनका परिवार और अरुण जी का पूरी जिंदगी समाज सेवा में रहा है और समाज सेवा जो बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव का इनका हमेशा रहता है और इनका यही जो आचरण है वो आचरण ही आज पार्टी को यहाँ तक लेके जो इनके बीच आई गई है और इनसे जो चर्चा हुई, बात हुई और पार्टी का जो लक्ष्य है, बस आप समझ सकते हैं कि बिहार में हम लोगों को, चाहे यहाँ पे किसी तरह का न जाति का भेद है, न किसी तरह का धर्म का है, न किसी तरह की कई विभिन्नता की बात होती है, हम एक बिहार का विकास करने के लिए, बिहार को नई दिशा और दशा देने के लिए जो अरुण जी को प्रदेश संयोजक की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे आशा है, पार्टी को आशा है कि निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। ये पूरी टीम को अपने ढंग से फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, बनाएंगे और पूरे बिहार में जो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है उसको, लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ऐसी हमारी बात भी हुई है और ऐसा इनका आचरण है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं राजीव कुमार रंजन और मैं बिहार से ही हूँ। हाजीपुर में हमारा घर हुआ लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट रहता हूँ। परिचय है, मैं अरुण कुमार, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक ज्वाइन कर रहा हूँ। इसी मकसद से ज्वाइन कर रहा हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से अपने देश, समाज और बिहार की सेवा कर रहा हूँ। और शुरू से मेरे परिवार ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करते आए हैं और मैं भी इसी उद्देश्य से इनकी पार्टी से जुड़ा हूँ। और मैं जितना हो सकेगा मैं अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा और निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा प्रदान करता रहूंगा।